योग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये चार जमे मोमाई लूट ले लोग रे। जैसे शहद की मक्खी होती है, वह धन जोड़ती रहती है अपना, जो शहद मधु को बनाती रहती है और इतना जोड़ देती है कि वो आखिर में नीचे टपकन लग जाता है। जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो महल तोड़ने वाले आते हैं और उसमें नीचे अग्नि जला के और इतना धुआं कर देते हैं, कुछ तो आंधी हो जाती है, कुछ जल जाती है, कुछ भाग जाती है। उस सारे के सारे इस शहद ने मधु ने वो तोड़ के और बाल्टी भर ले जाता है। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि तो जो अनजान साधन अनजानपने में इस माया ने जोड़ जोड़ कर कि तब बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, कि तब कोठी गाड़ दी, कि तब लॉकर धर दिए, कहते तो शहद की मक्खी वाला काम बनेगा तेरे संग में। और ना जाने कब यो काल तेरी टीट भी पकड़ेगा और ना जाने कहां तेरा देहांत होगा और वही तक किसी और के काम आओगा और तेरी बिरन में टिकद और कुत्ता बनेगा। जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार जमे मोमाई लूट ले लोग रे। ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, ऐसा धन जोड़ जो तेरे साथ चाल है। अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। जो कहिए अर्दम अजप्पा जाप जपो। अजप्पा जाप क्या है? ये सांस का सुमन, ओठ जीव आलय नहीं, और अपने आप जो सुमन होता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। सांस के द्वारा एक नाम जप होता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। अर्दम अजप्पा जाप जपो यो माल, यो धन है तेरा। अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। जाप जप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लाग गया फिर खुशी मना लिए। जब बोल्ट में लगा, हाँ जी करो सर। अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। सांस के अपना जो अजप्पा जाप जपते हैं इसके प्रभाव से क्या होगा? हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी कि अंदर एक धुनात्मक शब्द प्रकट होगा, उसको अनहद शब्द कहते हैं। ऐसी आवाज आवेगी कि उसमें इतना आनंद आवेगा, ये वृत्ति बाहर नहीं डटेगी फिर तेरी, बड़ी जोर की आनंद आओगा। उसको कहते हैं कि जब तू राजी होना, जब प्रसन्न हो जाना, कि जब तेरी ये प्रक्रिया तेरे अंदर इस नाम के प्रभाव तो हो जा। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब तेरे अंदर ये सूखे ढोल पीटने से खुशी नहीं होगी जो बाहर बजावे, अंदर बाजा बाजेगा उस परमात्मा के नाम का। जब तू राजी हो जाना कि तेरा यहां से जाना बनेगा, यानी लड़की जब प्रसन्न होती है, जब खुड़का सुनने ढोल बाजे का अकबर आएगी, तो कहते हैं जब तक वो बाजा नहीं बाज ले, यानी अंदर तुझे अनहद शब्द प्रकट ना हो ले, इतने ये मत सोचिए कि यहां से तेरा जाना यानी बरात आ ली, यानी तेरा लवल बात लगी है। अनहद बाजा बाजन लागा जब खुशी मना लिए, और फिर आवे बिरहा कबीर लेण में खुश होकर चालिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।